नमस्कार दोस्तों स्टडी समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और आज ये घटना चक्र फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक है इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट क्लास है हो सके कि एक, एक दो क्लास और हो, एक हो सकती है तो चलिए सीधी बात नो बकवास के कंसेप्ट पर हम लोग शुरू करते हैं और ये पेश है आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी जल तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग काम बोलता है का मतलब कि आप काम करिए या अखिलेश यादव का नारा था हाँ यह है कि कई बार आजकल की के सरकार में मस्ती के साथ रहिए बच्चों टेंशन लेने से कुछ काम नहीं होता है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द मोशन ऑफ घेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड बताइए घेरी स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन के स्टडी करने वाले फिजिक्स के ब्रांच को क्या कहते हैं बच्चों क्वांटम फिजिक्स कहते हैं बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स ये जो ऑप्शन सी जो दिख रहा है आपका ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन को अध्ययन करने वाली फिजिक्स की ब्रांच को क्या कहते हैं बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स अब ये सब देख लिया करी कि कौन सा क्वेश्चन आया है अभी बार बार कहने की जरूरत अच्छा नहीं लग रहा है कि आदमी क्वालिटी वर्क करिए तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्वांटम ऑफ मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स चलिए क्वेश्चन नंबर टू बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी 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 बच्चों क्या कह रहा है फील्ड ऑफ साइंस विच स्टडीज ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इज कॉल्ड ह्यूमन और मशीन के बीच में ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन के स्टडी करने वाले साइंस को क्या कहते हैं बच्चे या उस टर्म को उसको क्या शब्द से नाम देते हैं बताइए जल्दी जल 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 जल्दी 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 क्या कहते हैं क्या है साइबरनेटिक्स बच्चों इसका जो आंसर दिया है बच्चों साइबरनेटिक्स नेटिक्सने के मतलब कि ह्यूमन और मशीन के बीच में जो ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या नाम दिया गया बच्चों साइबरनेटिक्स चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है कि साइबरनेटिक्स इज रिलेवेंट टू स्टडी ऑफ सिस्टम सच एज मैकेनिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल काग्निटिव काग्निटिव एंड सोशल सिस्टम्स। साइबरनेटिक्स इज अप्लीकेबल वेयर एक्शन बाय द सिस्टम जेनरेट सम चेंजेज इन इट्स इन्वायरमेंट एंड दैट चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन दैट सिस्टम कौन क्या कह रहा है नार्बर्ट विनर डिफाइंड साइबरनेटिक्स इन 1948 फोर्टी एट साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन विथ एनिमल एंड मशीन ठीक ना बच्चों तो इस शब्द को किसने दिया था बच्चों नार्बर्ट विनर ने बच्चों नार्बर्ट विनर जो 1948 में साइबरनेटिक्स शब्द को दिया और इसको डिफाइन किया क्या कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन एनिमल इन एनिमल एंड मशीन एनिमल और मशीन के बीच में जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन उसका साइंटिफिक स्टडी जो, जो, जो बच्चों उसको क्या नाम दिया गया साइबर क्वेश्चन बताइए सीधी बात नो no बकवास भाई देखिए जिसको पढ़ना है वही पढ़ेंगे जिसको नहीं पढ़ना उसको हजार बार भी कहेंगे वो नहीं पढ़ सकता है तो मच डिस्क गार्ड पार्टिकल इज बता रहा है कि गाड पार्टिकल जिसके बारे में चर्चा होती है गाड पार्टिकल है क्या आखिर बताइए बच्चों मच डिस्कस्ड गाड पार्टिकल इज मच डिस्कस्ड गाड पार्टिकल इज क्या है बच्चों? गाड पार्टिकल क्या है बच्चों? हिक्स बोशॉन हिक्स बोसोन जो आप देख रहे हैं ये बहुत चर्चा वाला शब्द था गाट पार्टिकल गाड़ पार्टिकल गार्टिकल पार्टिकल क्या बच्चों हिक्स बोसोन न्यूट्रोनोम और इलेप्टोन नहीं है बच्चों ठीक है ना इसको भी देखते रहिएगा थोड़ा सा इससे इंप्रेशन बनता है कि आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो कितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो देखिए क्या कह रहा है कि हिक्स बोसोन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ठीक है ना बच्चों द हाइपोथेसिस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस वाजगी भिन इन नाइनटीन सिक्सटी फोर बट प्रैक्टिकली इट वॉज प्रूव्ड ऑन मार्च फोरटीन टू थाउजेंड थर्टीन इन मेन मेन स्ट्रीम मीडिया द हिक्स बोसोन हैज ऑप्टेन बीन कॉल द गार्ड पार्टिकल ठीक है ना बच्चों हिक्स बोसोन जो है बच्चों उसको गाड पार्टिकल नाम से जाना जाता है द टू फिजिश फिजिसिस्ट हूँ डिस्कवर्ड दिज पार्टिकल्स पीटर हिक्स एंड फ्रेंकोइस इंगलवर्ट वेयर एवार्ड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 2013 बच्चों गार्ड पार्टिकल का महत्व तो इतना है बच्चों अब देख रहे हैं कि इनको इस डिस्कवरी के लिए पीटर हिक्स और फ्रेंकोइस इंगलवर्ट Eng को क्या दे दिया गया बच्चों टू थाउजेंड में नोबल प्राइज दे दिया गया तो ये है बच्चो नोबल प्राइज ठीक है ना गार्ड पार्टिकल इज फिर आपसे पूछ लिया एक बच्चों कि गार्ड पार्टिकल क्या है क्वेश्चन आप आंसर आपके सामने है इसका मतलब कि इसके बारे में चर्चा किया किया जा चुका है गार्ड पार्टिकल इज क्या है हिक्स बोसोन हिक्स बोसोन कोई बच्चों गार्ड पार्टिकल जिसे आपको उर्फोला नाम नहीं जानते हैं उर्फ वाला जो नाम होता है उसी को तो गाट पार्टिकल कहा जाने लगा तो उर्फ वाला जो नाम होता है वो आपका चर्चित नाम होता है बच्चों मेन जो होता है रियल नाम तो आपका पेपर वर्क वाला होता ही है तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड इसमें से कौन जो पेयर जो है बच्चों करेक्टली मैच नहीं है थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसको काम करिए बच्चों मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है अगर आप मेहनत करेंगे तो आज न कल आपको फल जरूर मिलेगा तो इसमें देखना है कि नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है बताइए बताइए बच्चों चलिए अब आपका समय खत्म होता है आप्टिकल फाइबर्स जो बच्चों लाइट वेव पर काम करते हैं। बात सही है <coughs> और लार्ज हेड्रन कोलाइडर जो बच्चों ये गार्ड पार्टिकल इसी से संबंधित है लार्ज हेड्रन कोलाइडर में गार्ड पार्टिकल से संबंधित रिसर्च हुआ था बच्चों और मार्स को क्या कहते हैं रेड प्लानट कहते हैं और एंड्रॉयड जो है बच्चों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है ना ये एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों एंड्रॉयड जो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में और और चीज़ों में काम करता है तो इसका जो है इनपुट वॉइस से मतलब कोई नहीं है बच्चों ठीक है ना तो इसमें जो है यही करेक्ट नहीं है और यही जो जब करेक्ट नहीं तो क्या आगा आपका यही उत्तर होगा तो मार्स को रेड प्लानट करते हैं और गार्ड पार्टिकल्स जुड़ा हुआ रिसर्च हुआ तो बच्चों लार्ड हेडर कोलाइडर में हुआ था और ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है लाइट वेव्स पर काम करता है चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा पेयर गिवन ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच एंड्रॉयड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ना बच्चों ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया डेवलप्ड बाय गूगल बेस्ट ऑन द लाइनक्स फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट ठीक है ना बच्चों चलिए द लेटेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 इज नेम्ड एज बताइए बच्चों क्या नाम दिया गया था इसको चलिए ये थोड़ा सा याद करने में कठिन क्वेश्चन लग रहा है मैं इसको बता देता हूँ सिक्स पॉइंट जीरो इजे निम्ड एच क्या इसको दिया गया था मार्श मालो मार्श मालो इसको नाम दिया गया था बच्चों ये जो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट है लेटेस्ट एंड्रॉयड तो इसमें आप ये सब भी पूछा जाता है बच्चों तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्स पॉइंट जीरो इज निम्ड एच मार्श मालो चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट जीरो मालो वाज सिक्स मेजर वर्जन ऑफ़ दॉड ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट अनवील्ड इन मे टू थाउजेंड फिफ्टीन इट वाजी रिलीज इन टन टन एंड्रॉयड नाइन पॉइंट जीरो पाई वाज रिलीज ऑन इतना लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच इज़ रिलीज ऑन तो बच्चों एंड्रॉयड टेन जो है बच्चों क्या है सबसे लेटेस्ट है ठीक ना और ये कब लॉन्च किया गया बच्चों सितंबर उन्नीस में एंड्रॉयड टेन जो है बच्चों सबसे लेटेस्ट है और ये उन्नीस में लॉन्च किया गया है तो चलिए अब देखिए साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इज इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों आप लोग साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इज साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इज टाइम मेजरमेंट को के साइंस को क्या कहते हैं बच्चों यही आपको बताना है साइंस मेजरमेंट के टाइम टाइम को मेजरमेंट uh, को बच्चों टाइम के साइंस साइंस देखो कंफ्यूजन हो गया बच्चों साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट को क्या कहते हैं बच्चों होरोलॉजी कहते हैं चलिए इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा होरोलॉजी इज द आर्ट आर साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट मे, मेजरिंग टाइम ठीक ठीक है बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर एट है बच्चों इसका उत्तर दीजिए आप लोग स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन इज फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन इज बताइए बच्चों इसको कहते हैं बच्चों ट्रिबोलॉजी ऑप्शन जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए क्योंकि इतना समय लेना है गणित की कोई क्वेश्चन नहीं है स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन इज ट्रिबोलॉजी चलिए ट्रिबोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस इट इंक्लूड्स द स्टडी एंड अप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन आप फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन के स्टडी को क्या कहते हैं बच्चे ट्रिबोलॉजी ठीक है ना अब देखिए इन विच फील्ड ऑफ साइंस वी विल लर्न अबाउट व्हाइट ड्वार्फ व्हाइट ड्वार्फ के बारे में बच्चों व्हाइट ड्वार्फ बच्चों आप किस फील्ड मैंने इसमें से जुड़े हुए ऑप्शन मैंने जो नाम दिए गए हैं व्हाइट डॉ के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं किस सेक्शन में करते हैं बच्चों बताइए बच्चों बताइए जो बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा सेटिंग में जो बच्चों गड़बड़ी आ रही थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं क्योंकि हमेशा परेशान करेगा इसको सेट नहीं करेंगे बच्चों तो चलिए अब हो गया बच्चों थोड़ा सा देखिए देखिए इन विच फील्ड ऑफ साइंस वी विल लर्न अबाउट व्हाइट डॉर्फ व्हाइट डॉर्फ के बारे में बच्चों आप कहाँ पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं बच्चों ठीक है ना ये सीधा सीधा एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे बच्चों एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ये सब गलत है तो वाइट डॉर्फ के बारे में बच्चों एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे व्हाइट ड्वार्फ इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी इट इज ऑल्सो नोन एज ए डी ड्वार्फ व्हाइट ड्वार्फ को बच्चों डिजेनरेट के नाम से भी जानते हैं चलिए अगला प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग क्या कह रहा है इसमें बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है तो बाकी तीन करेक्ट होंगे तो या तो बाकी तीन करेक्ट को पहचान लीजिए इनकरेक्ट को पहचानिए तो तीन पहचानना आसान है कि एक पहचानना आसान है एक पहचानना आसान है चलिए देखते हैं कि हम लोग के ज्ञान के अनुसार क्या सही है स्पेशल रबल टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग ये जो बच्चों स्पेशल रबल टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग ये जो बच्चों सही है अब देखिए द ब्लू वेव्स स्कैटर मोर देन वेव्स ऑफ लाइट सो दैट द स्काई अपियर्स ब्लू नॉट वाइट ये जो बच्चों गलत है ठीक है ना अभी मैं बताता हूँ ए कम रन थ्रू वंस वेट हेयर डज नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर ये भी चीज़ सही है बच्चों व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रूप्स टचिंग द ग्राउंड ये भी चीज़ सही है बच्चों ठीक है ना तो कहने का मतलब कि जो एयरक्राफ्ट के बच्चों अब इसमें देखिए एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं स्माइटली, स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं स्लाइटली कंडक्टिंग का मतलब ताकि वो जो उसमें जो चार्ज होते हैं ताकि वो कंडक्ट होते मैंने वो, वो हटते रहें बच्चों फ्लो करते रहें नहीं तो वो चार्ज हो जाएगा और चार्ज होकर बस्ट कर जाएगा ठीक है ना बच्चों? और ये विबग्योर वाला आप देखें हैं विबग्योर वेब गियोर जो देखे हैं तीन तीन छः सात सात रोता है तो इसमें क्या बच्चों ब्लू वेब स्कैटर मोर देन वायलेट वेब ऑफ लाइट सो द स्काई अपीयर्स ब्लू नॉट वाइट ठीक है ना बच्चों तो कहने का मतलब कि इसमें ब्लू वेब जो है बच्चों ये स्कैटरिंग जो बच्चों कहने का मतलब कि रेड का कम होता है और ये वायलेट का ज़्यादा होता है इसलिए बच्चों क्या है ये गलत है और ये कम एक अगर आप एक कंघी को बच्चों क्या रहा है एक रन थ्रू वंस वेट हेयर डज नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अगर आप के बाल गीले हैं बच्चों अगर आप उसमें एक कंघी रगड़ेंगे या कंघी करते हैं तो आपके बाल जो क्या बच्चों कंघी जो बच्चों क्या करेगी पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगी ये जो है बात बच्चों सही है अगर आपके बाल सूखे रहते हैं तब अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर नाट दिया इसलिए चीज क्या है सही है व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लमेबल मटेरियल्स जैसे जो आप देखते हैं कि पेट्रोल और ये सब जो इनफ्लमेबल मटेरियल को जो बच्चों जो व्हीकल्स होते हैं जो कैरी करते हैं उनमें रस्सी लगी रहती है ताकि टचिंग द ग्राउंड ताकि वो बच्चों ये बर्न ना करे तो इसके पीछे ये कारण था बच्चों ठीक है ना तो इसको क्या करते हैं ऐसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आए कि कौन सा ही कौन गलत है तो ये ये सीन था बच्चों ठीक है ना ये करेक्ट था ये करेक्ट था ये करेक्ट था ठीक है ना और ये जो बच्चों गलत था इसलिए ही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा आपका एंसर, बच्चों आंसर होगा चलिए देखते हैं आगे देखते हैं क्या कर रहा है वायलट वेब्स स्कैटर्ड मोर देन ब्लू वेब्स ऑफ लाइट द मेन काज ऑफ स्काई अपेयरिंग ब्लू इज द हाइएस्ट स्कैटरिंग ऑफ वायलेट इंडिगो एंड ब्लू कलर्स रेस्ट ऑप्शन आर करेक्ट बच्चों ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं तो ये लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंच सके बच्चों क्या कह रहा है बच्चों? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन बताइए बच्चों नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है यूपी लोअर शबरने टू थाउजेंड नाइन में एक प्रश्न आया है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली ऑप्शन ए होगा आपको बच्चों करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं ये सीधे याद करने वाला प्रश्न ने था नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली चलिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट पहले कैसा था बच्चों फिजिकल ये केमिकल का के जब फिजिकल था फिजिकल कहाँ था बच्चों आपकी राजधानी न्यू दिल्ली ठीक है ना और अब पूछा है केमिकल लेबोरेटरी केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है बच्चों जल्दी जल्दी बचाइए तो न्यू दिल्ली हैदराबाद लखनऊ पुणे ये आपका ऑप्शन है तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बच्चों पुणे में स्थित है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा चलिए स्पीड थोड़ा सा रखते हैं क्योंकि गणित के प्रश्न नहीं है कि पांच मिनट आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी किसके अंदर काम करती है सी एस आई आर के बच्चों पुणे वॉज इज ए फिफ्टीट्यूट लेबोरेटरी ऑफ रिसर्च तो इज ए साइंस एंड नॉलेज बेस्ड रिसर्च डेवलपमेंट एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सी एस आर जो बच्चों साइंस के क्षेत्र में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है बच्चों पुणे में अब देखिए क्या कह रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन बताइए बच्चों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन कहाँ पर है बच्चों टाटा का मुंबई में है स्थित बच्चों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बच्चों मुंबई में है तो फिजिकल कहाँ था न्यू दिल्ली में ठीक ना बच्चों एनडी में था और केमिकल कहाँ था बच्चों पुणे में और ये टाटा कहाँ पर हो गया मुंबई में थोड़ा सा रिवाज भी करते रहे ताकि दिमाग में बना रहे क्या कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ पीपुल लाइक अस टू स्टे इन आवर ओन कंट्री एंड बिल्ड अप आउटस्टैंडिंग स्कूल्स ऑफ रिसर्च सच एज सम अदर कंट्रीज आर फॉर्चुनेट टू प्रोसेस ये स्टेटमेंट है बच्चों दिस वॉज द विजन दैट गाइडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल सच विच होमी भाभा फाउंडेड ऑन 1st जून 1945 विद द सपोर्ट फ्रॉम द सर सरोपजी टाटा इट इज लोकेटेड इन मुंबई ठीक है ना बच्चों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है बच्चों मुंबई में चलिए अगले प्रश्न चलते हैं उन्नीस सौ पैंतालीस में स्थापित हुआ था बच्चों फुल फार्म ऑफ लेजर इज लेजर का फुल फॉर्म क्या है हम मैं आपको अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में बच्चों एपिसोड में मैं आपको बताया था कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से इसको बताइए आप लोग फॉर्म ऑफ लेजर इज लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आप लोग बताइए लेजर रडार सोनार इन सब का फूल फार्म पूछता है बच्चों ठीक है ना बताइए जल्दी 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 बताइए लाइट एम्प्लीफिकेशन तो चलिए लेजर का फुल फॉर्म पूछा है बच्चों लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों लाइट एम्प्लीफिकेशन ठीक है ना लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ठीक है ना बच्चों यही इसका लेजर का फुल फॉर्म होता है आप इसको याद रखेंगे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ये जो बच्चों लेजर का फुल फॉर्म है क्या कह रहा है बच्चों फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज Light amplification by stimulated emission of radiation. A laser is a device that emits light through a process of optical amplification based on the stimulated emission of electromagnetic radiation. The first laser was built in 1960 by the Russian scientist. एनएस बेसो एंड ए एम प्रोखोरो थियोटिकल बेस किम फ्राम द सी एच दि थ्री फिजिशिय गाट द नोबल प्राइज फॉर दियर वर्क ठीक न बच्चो ये रहा तो लेजर के खोज से कौन कौन से जुड़े हुए हैं एम प्रोखोरो ट और कौन था एन एस बशो ये जो बच्चों तीन साइंटिस्ट हैं जो बच्चों लेजर के खोज से जुड़े रहे और इनको जो बच्चों नोबल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स का लेजर इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर कैसी डिवाइस है बच्चों लेजर इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग ऑप्शन दिया हुआ बच्चों क्योंकि इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हुए आंसर दिया हुआ है स्टिमुलेटेड रेडिएशन लेजर प्रोड्यूस करता है बच्चों ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं इसको देखते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड पिक ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एट ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एट ना प्रेजेंटली द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इज द हाईएस्ट टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल एट दर्ल्डेड नियर दिन लद्दाख एट ऑफ फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर बच्चे ठीक है ना तो जो ले लद्दाख में ले, 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 ले इन लद्दाख तो इसको बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन को बताइए हु इज द साइंटिस्ट इन हुक्सरे टेलीस्कोप हैज बिन नेम्ड चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप हैज बिन नेम्ड किसके आनर में बच्चों चंद्रा एक्सरे ये किया गया है तो एस चंद्रशेखर का नाम आप लोग सुने थे वही है बच्चों चंद्रा को जोड़ लीजिए ठीक ना तो क्या है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर ही बच्चों चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप का नाम रखा गया तो ये आई एस टू थाउजेंड वन में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों क्या कह रहा है कि चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप इज ए स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाई कोलंबिया स्पेस शटल ऑन टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्र शेखर हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस बताइए बच्चों, हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कौन है बच्चों? हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस बताइए ये तो प्रश्न आपसे आशा किया जा सकता है इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों, आशा किया जा सकता है बताइए बच्चों हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस तो यूरी गगारिन जो है बच्चों इनको फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ स्पेस के रूप में जाना जाता है चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन बता रहा है घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन होता है बच्चों 1961 सिक्सटी एस्ट्रोनाट यूरी गगारिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस बाय ओस्टक फर्स्ट रशियन स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रोनाट एलन शिपर्ट बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन इन स्पेस लेस देन ए मंथ लाटर तो हमको इन्हीं को जानना है यूरी गगारिन को जानना है अमेरिकन थोड़ा जानना है तो जो भाई विश्व में प्रथम उसी को याद रख लिया जाए अपने देश में प्रथम उसको याद रख लिया जाए अब हर एक देश का अलग अलग याद रखना संभव नहीं है तो यूरी गगारिन जो बच्चों उन्नीस में ओस्टक प्रथम जो रशियन स्पेस क्राफ्ट था इसके माध्यम से बच्चों पहले स्ट्रोनार्ट बने जो स्पेस में गए थे अब देखिए क्या कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट ओमेन कास्मोनाट फर्स्ट ओमन कास्मोनाट कौन था बच्चों ओमन oh महिला ठीक ना बच्चों बताइए ये प्रश्न देखिए पूछा गया ये पूछा जाता है बच्चों कुछ स्टैटिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो फर्स्ट ओमन कास्मोनाट कौन था बच्चों वर्ल्ड में तो आप लोग नाम सुनेंगे वैलेंटीना तेरेस्को वैलेंटीना तेरेस्को बच्चों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ यही आपका करेक्ट आंसर होगा ये पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी यूरी गगारिन पहले पुरुष थे बच्चों क्या कह रहा है रशियन एस्ट्रोनाट यूरी गगारिन वाज द फर्स्ट मेल एस्ट्रोनॉट इन स्पेस वाइल वैल वैलेंटीना तेरेस्को रशियन कास्मोनाट became the first woman to fly to space when she launched on the Vostok 6 ये kis se गए थे बच्चों Vostok प्रथम से गए थे ये तिरसठ में और ये इकसठ में सी स्पेंट ऑलमोस्ट थ्री डेज इन स्पेस एंड orbited अराउंड फोर्टी एट टाइम्स चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट इवर इंडियन फीमेल टू फ्लाई सोलो मिग ट्वेंटी कौन बनी बच्चों प्रथम भारतीय महिला तो ये जो करंट का क्वेश्चन था बच्चों देख रहे हैं है सत्रह में पूछा गया है अवनी चतुर्वेदी सी बच्चों जो मिग ट्वेंटी वन उड़ाई थी बच्चों ठीक ना अवनी चतुर्वेदी क्या कह रहा है कि फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन ओमैन फर्स्ट इंडियन ओमैन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू कंप्लीट ए सोलो फ्लाइट इन मिग ट्वेंटी वन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑन कब बच्चों टू थाउजेंड एटीन में तो चतुर्वेदी का नाम आप लोग अगर हाल साल में करंट में पढ़े होंगे तो जरूर सुने होंगे ये पहली महिला थी जो बच्चे मिग ट्वेंटी को उड़ाई थी अकेले सोलो सोलो फ्लाइट द तो मून इज ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बताइए बच्चों क्या मून एक स्टार है क्या एक प्लानट है क्या एक सैटेलाइट है क्या एक मेटियोराइट है तो स्टार तो होता है बच्चों, जिसके पास खुद की लाइट होती है ठीक है ना सेल्फ लाइटेड सेल्फ लाइटेड होता है स्टार और जो स्टार्स का चक्कर लगाते हैं उनको प्लानेट कहते हैं और जो प्लान का चक्कर लगाते है, उसको हैं उसको सेटेलाइट कहते हैं बच्चों तो मेटोराइट तो अलग कंसेप्ट है तो हमें लगता है कि मून के अपने पास जो बच्चों देखिए मून के पास अपना लाइट नहीं है और ये तो जैसे आप लोग पृथ्वी को आप मून के बारे में तो जानते हैं जैसे मान ली कि चंद्रमा सूर्य ले लीजिए पृथ्वी ले लीजिए और चंद्रमा ले लीजिए तो ये हो गया सूर्य ये हो गई पृथ्वी ठीक ना अर्थ सन और ये क्या हो गया बच्चों मून तो जो मून जो सैटेलाइट का जो प्लानिट का जो बच्चों चक्कर लगाते हैं। उनको क्या कहते हैं सेटेलाइट कहते हैं तो मून एक क्या है बच्चों सेटेलाइट है ये जो बच्चों ऐसे तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है बच्चों फिफ्थ लार्जेस्ट सेटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम और पृथ्वी का केवल एक नेचुरल सेटेलाइट है बच्चों ऐसे तो बहुत रोज सेटेलाइट छोड़े जा रहे हैं लेकिन वो नेचुरल नहीं है तो चलिए इसका मतलब आप समझ समझ रहे होंगे वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए आथर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम ये किताब है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम इसके लेखक कौन है तो आथर कभी चेंज नहीं होंगे वही रहेंगे बच्चों तो इसलिए इस प्रश्न को याद रखना जरूरी है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चो तक्सी हिरोश तक्सी हिरोश जो बच्चों इस किताब के लेखक हैं न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जो किताब है उसके लेखक हैं है हिरोश देखिए क्या कह रहा है हिरोश इज द आथर ऑफ द बुक न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम विच ही रोट इन 2010 जो उन्होंने दो दस में लिखा था बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखिये ये हम लोग मिस सेक्शन पढ़ रहे हैं मिस का मतलब इससे पहले ये सब क्वेश्चन इसमें से जुड़े क्वेश्चन जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो इसको बताइए शैमुअल कोल्ट किसकी खोज किए थे बच्चों रिवाल्वर के ए थ्री रिवाल्वर की खोज किसने किया था बच्चों सैमुअल कोल्ट ने किया था और डायनामाइट की खोज किसने किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था बी फर्स्ट चलिए तो बी फर्स्ट दोनों में दिया हुआ है अब देखते हैं बच्चों सी का देखते हैं ला ऑफ कूलिंग ला ऑफ कूलिंग किसने दिया था बच्चों न्यूटन ने दिया था तो आपका आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चो डी यहाँ से और ला आप प्रेशर किसने दिया था बच्चों पास्कल ने दिया था ये भी चीज़ सही है तो ये जो ऑप्शन जो बच्चों ऑप्शन डी जो इसका क्या होगा करेक्ट होगा तो यहाँ से देखिए कि रिवाल्वर की खोज किसने किया था शैमोल कोल्ट ने किया था डायनामाइट की खोज किसने किया था, किस था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था ला ऑफ कूलिंग किसने दिया था न्यूटन ने दिया था ला ऑफ प्रेशर किसने दिया था बच्चों पास्कल ने दिया था तो ये रहा चलिए देख लेते यहां पर सैमोल कोल्ड डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल लाफ कूलिंग न्यूटन और लाफ प्रेशर पास्कल चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बताइए बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यू टू फॉर्म द टर्मिनल्स ऑफ नॉर्मल टार्च सेल टर्मिनल्स ऑफ नॉर्मल टार्च सेल बनाने में बच्चों किस मेटल का प्रयोग होता है टर्मिनल ऑफ नॉर्मल टार्च सेल तो इसमें जो होगा बच्चों जिंक और कार्बन जिंक और कार्बन जो बच्चों आपका सही उत्तर होगा अरे बच्चों बताइए जनरली ड्राई सेल्स आर यूज्ड इन टर्च व्हिच एनोड इज मेड ऑफ जिंक व्हाइल द कैथोड इज मेड अप कार्बन तो कैथोड किसका बना होता है बच्चों कार्बन का और एनोड किसका बना होता है जिंक का ड्राई सेल्स में बच्चों जिंक और कार्बन का प्रयोग किया जाता है ठीक ना क्योंकि कैथोड जो होता है बच्चों कार्बन का बना होता है और एनोड जो है बच्चों जिंक का बना होता है जी आई एफ स्टैंड जी आई एफ स्टैंड बताइए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है आप लोग अगर कोई पिक्चर को सेट कंप्यूटर में सेव करते होंगे तो जेपीजी पी एन जी जी आई एफ पूछता है तो उसी में उसी संदर्भ में पूछ रहा है कि जी आई एफ स्टैंड फार बताइए बच्चों जी आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट यही जो ऑप्शन सी होगा बच्चों आपका करेक्ट होगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जी आई एफ का फुल फॉर्म ये उत्तराखंड पीसीएस प्री द्वारा साथ में प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों देखते चलिए जी आई एफ स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फार्मेट इट इज ए कंप्यूटर फाइल फार्मेट इज फॉर इमेज एंड सिंपल एनिमेशन इट वॉज डेवलप्ड बाई कैंप सर्वे इन द लेट एंड नाइनटीन डिग्री पॉपुलरिटी इन दम इट अलाउज हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स टू बी डिस्प्ले ग्राफिक्स वराइटिक्स तो ठीक है ना बच्चों आप जी आई एफ का बच्चो फुल फॉर्म क्या होता ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट कोई भी कह लीजिए जीपीएस तो स्टैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बताइए बच्चो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जीपीएस 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 सुनते रहते हैं तो जीपीएस स्टैंड फॉर विच एन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीपीएस का बताइए बच्चों 2015 का ये पीसीएस मेंस का प्रश्न बच्चों तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये पुलिस नहीं होगा पोलर नहीं होगा नहीं होगा बच्चों ठीक है जनरल तो जीपीएफ का जीपीएस का फुल क्या होगा बच्चों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑप्शन जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इट बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल फ्रॉम पंचानवे से, से बच्चों फुल्ली ऑपरेशनल हो गया एटीएम मींस जो आप देखते हैं बच्चों तो सभी उपयोग करते हैं पैसा वैसा निकालने के लिए हमें लगता है कि सबको कोई नहीं सुना होगा हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं इसको आप बताइए एटीएम मींस एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों जल्दी से आप लोग बताइए एटीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो बच्चों ये जो चीज देख रहे हैं आप ये जो होगा एटीएम का पूरा नाम कह रहे हैं ए टी एम इज शार्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन बेसिकली एटीएम इज फॉर परफार्मिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन लाइक विद्रावल ऑफ मनी एंड टू व्यू बैंक स्टेटमेंट बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपके सामने है एंड रीजन कथन और कारण आपके सामने है बच्चों तो बताइए बच्चों बताइए ब्लैक, हो, ब्लैक होल ब्लैक होल देखा जाना संभव रहता है तो अब तक इस पर रिसर्च हो चुका रहता काम हो, हो चुका रहता ठीक है ना लेकिन इसके लिए लार्ज कोलाइडर वाली मशीन का प्रयोग किया गया वहां पर रिसर्च किया गया द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज मच स्ट्रांग दैट इवन लाइट डज नाट स्केप फ्राम इट तो ये भी बच्चों सही है ग्रेविटेशनल फील्ड जो बच्चों ब्लैक होल का बहुत स्ट्रांग है इतना स्ट्रांग कि वहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता आदमी की तो बात ही छोड़ी है तो ये दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्ट एक्सप्लेनेसन भी है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये जो होगा बच्चों ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा देखिए क्या कह रहे हैं ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज सो कंपैक्ट दैट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट लाइट्स आर एनीथिंग इल्स फ्रॉम स्केपिंग बट दिस रीजन बच्चो उसका ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग है बच्चों की वहां से कोई चीज स्केट रिफ्लेक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक हम टेलीस्कोप से देखेंगे कैसे बच्चों नहीं देख पाएंगे ब्लैक होल क्या है बच्चो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में बताइए ब्लैक होल क्या है ऑल रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन इट. क्योंकि इसका बच्चों ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन जो होता है बच्चों ब्लैक होल का बहुत स्ट्रांग होता है इसीलिए इस पर जो भी चीज फॉल करती है चाहे प्रकाश ही क्यों ना हो सबको अवशोषित कर लेता है ये क्या कह रहा है बच्चों कि ब्लैक होल एब्जॉर्ब्स आल रेडिएशन दैट फॉल ऑन इट ड्यू टू इट्स हाई ग्रेविटी अब क्या कह रहे हैं टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स बताइए बच्चों टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट इसमें होगा बच्चों अवे फ्रॉम द सन जैसे मान लीजिए कि सन है और ये जो है बच्चों कॉमेट है ये पूछ है बच्चों खासतौर से नहीं नहीं इसको ऐसे करते हैं टेल कॉमेट का, ऑलवेज पॉइंट तो बच्चों पूछ जो बच्चों हमेशा सूर्य से दूर रहती है कामेज की कामेज की ठीक है ना टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे आव, फ्रॉम द सन सूर्य से दूर रहती है अब देखिए क्या कह रहा है कॉमेट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ बच्चों गले में थोड़ा क्रास हो गई है celestial objects made of ice, gas, dust and small amount of organic materials that orbit our sun. radiations from the sun push dust particles away from the coma, forming a dust tail while charged particles from the sun convert some of the comet's gases into ions, forming an ion tail since comet tails are शिफ्ट बाई सन लाइट एंड द सोलर विंडवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन ठीक है ना बच्चों तो कामिट में क्या होता है बच्चों टेल क्या दर्शाती है सूर्य से दूरी वाली दर्शाती है हाइली डेंस स्टार आर कॉल्ड जिन स्टार्स की बच्चों डेंसिटी ज्यादा होती है उनको क्या कहा जाता है Highly डेंस स्टार्स आर कॉल्ड क्या कहा जाता है बच्चों बताइए न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है बच्चों हाईली डेंस स्टार्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स हाईली डेंस स्टार्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स ताई परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया आज टोटल एनर्जी जेनरेशन इज तो भारत में जितनी ऊर्जा जेनरेट होती है बच्चों उसका कई परसेंट जो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी से जेनरेट होता है आठ का प्रश्न बच्चों और न्यूक्लियर एनर्जी का जेनरेशन रोज रोज चेंज नहीं होता इतना आसान नहीं है तो ये बच्चों तीन परसेंट है भारत में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका तीन परसेंट जो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त होती है द न्यूक्लियर पावर इज फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आफ्टर थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एंड रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है ना थर्मल हाइड्रोक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन आज अबाउट थ्री परसेंट इन द क्वेश्चन टोटल टा देयर आर ट्वेंटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल इन इंडिया ठीक है ना बच्चों टोटल कैपेसिटी ओनली इतने परसेंट टोटल एनर्जी जनरेशन अब वर्तमान में है जो बच्चो ये एक वन पॉइंट नाइन परसेंट रह गया है और कितने हैं ट्वेंटी टू जो है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ऑपरेशनल है जो ऊर्जा प्राप्त वो कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये चीज बढ़ घट रहा है घटने का कारण क्या बच्चों क्योंकि मैं डिमांड और जनरेशन बढ़ी है भाई आप तो सेम रहे न्यूक्लियर एनर्जी तो सेम रही इसीलिए बच्चों पहले तीन परसेंट थी अब एक वन पॉइंट नाइन परसेंट रह गई है अब देखिए क्या कह रहा है टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कैन डू वर्स इन डिवाइस मिनेचराइजेशन ये प्रश्न बच्चों अभी कल या परसों लेक्चर में मैं आपको बताया हूं तो आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी का ही योगदान है नैनो टेक्नोलॉजी के कारण है जिससे आज हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं जितना देव बेटी चीज़ें छोटी होती छोटी होने का मतलब कि मोबाइल पहले बड़ी आती थी छोटी हो गई ऐसे ऐसे करके अब मोबाइल में भी देखने को अब छोटा छोटा देव बेटे और हल्का होता है तो नैनो टेक्नोलॉजी से ही बच्चों ये सब संभव हो रहा है <laughs> क्या कह रहा है Nanotechnology is science, engineering and technology conducted at the nano scale which is about 1 to 100 nanometers. 1 nanometer for 10 to 9 meters. With the help of nanotechnology we can easily make micro accessories and equipments. क्या कर रहा है बच्चो ए पार्टिकल्स डायमेंशन लेस देन टेंट माइनस सेवन मीटर इज नोन एज टू द नाइन से क्या होता है बच्चों ये नाइनो होता है वन नैनो ओवर टेन टू पॉइंट नाइन मीटर तो ये जो बच्चों लेस देन माइनस सेवन मीटर इज नोन एज क्या होगा बच्चों टू पार्टिकल से बच्चों नैनो पार्टिकल ही होंगे अभी हम लोग इसे पहले पढ़े हैं मैं देव क्वेश्चन नैनो पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स एटलीस्ट

Hundred nanometer. Nano plug refers to Nano plug refers to Nano plug refers to a small hearing aid. A small hearing aid nano plug refers to a small hearing aid it is so tiny that it is almost undetectable nano plug is comprised of micro components and nano battery it can be programmed by using software running on computer the result of which can be downloaded directly for the device by the cable क्या कह रहा, तो रहा है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से कौन स्टेटमेंट जो बच्चों करेक्ट है इसमें से बच्चों, आप सब भी जो देख रहे हैं नाइनो ईयर कैन डिटेक्ट अराउंड डिटेक्ट साउंड एज लो एज डेसिबल ये होगा बच्चों करेक्ट होगा और जो बच्चों क्या है सब इनकरेक्ट है ठीक है ना साउंड डेसिबल चलिए हु साउंडी द फॉलोइंग गिव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड वेन नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द दिया गया बच्चों किसके द्वारा और कब आप देख रहे हैं नारियो तनिगुची नारियो तनिगुची जो देख रहे हैं 1974 में इन्हीं ने बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी शब्द नाम दिया और कब उन्नीस में नारियो तनिगुची जो देख रहे हैं बच्चों उन्नीस में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया नारियो तानिगुची प्रोफेसर एट टोकियो यूनिवर्सिटी ही यूथ द टर्म नैन टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इच रिसर्च पेपर पब्लिश इन सेवेंटी फोर आ गया आई एस प्री टू थाउजेंड फिफ्टीन का प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन करेक्ट एंसर इज इंगो विफरेंस टू दूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर के हेल्थ सेक्टर में प्रयोग के बारे में पूछ रहे बच्चो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाई नैनो टेक्नोलॉजी बच्चो एकदम सही है टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी ये भी क्या है बच्चों सही है तो आप दोनों सही है तो बहुत में करेक्ट है बच्चों ऑप्शन सी में बच्चों करेक्ट है क्वेश्चन नंबर चालीस देखिए बच्चों द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल इज फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल क्या बच्चों फ्रिक्शन, तो बच्चों आज के लिए इतना रहने दिया जाए अगले लेक्चर में आगे पढ़ा जाएगा अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद फिर मिलते हैं आगे